नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम सचिन है और शेरेज वीडियोस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं जा रहा हूं तांबडी सुरला, मंगेशी टेंपल और ओल्ड गोवा, और मेरे साथ है मेरे फ्रेंड शेखर, जो एक्चुअली हैदराबाद से है और वो पूरे इंडिया के लिए इंडिया में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया था नॉर्थ से, मतलब कश्मीर के साइड से, तो अभी वो गोवा में पहुँचे हैं। फिर यहाँ पर आज एक दिन और कल एक दिन रह के फिर वो लोग वो साउथ में चले जाएंगे। तो उन्हीं की गाड़ी के ऊपर उन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। तो ये शेखर की गाड़ी है और ये सारा सामान उसी में भरा पड़ा है। तो अभी हम निकल पड़े हैं पंजिम से। पंजिम से लगभग तांबडी सुरला की जो दूरी है वो 67 किलोमीटर है। और ये एक्चुअली जो जो जगह है तांबडी सुरला, ये बेलगाम हाईवे जो है, बेलगाम हाईवे अनमोड़ घाट से होते हुए जाने वाला हाईवे। तो वो जो हाईवे है वहाँ पे एक स्टॉप आता है मोलेम। तो मोलेम जो है वो मोलेम के वहाँ पे चेक पोस्ट है, जहाँ से बॉर्डर का चेक पोस्ट चेक किया जाता है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेने के बाद ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर अंदर तांबडी सुरला है। ये ओल्ड गोवा चर्च है जो पणजी से 10 किलोमीटर है और मेरे घर से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर है। सुबह का मौसम है इसीलिए वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, ठंडा भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और शेखर जो है वो तो गाड़ी बड़ी भाई साहब बड़ी ज़ोर से चलाते हैं, वो उनको प्रैक्टिस है। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं या फिर हमारे दोस्त वगैरह जब हम हमारे एक्टिवा या डीओ से जाते हैं तो लगभग 1.5-2 घंटे वहाँ पर लगते हैं पहुँचने में, लेकिन जिस तरह से ये गाड़ी चला रहे हैं मुझे लगता है कि शायद हम 1 घंटे में वहाँ पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। पूरे जो कश्मीर से उन्होंने स्टार्ट किया था और अभी ये एंड में कन्याकुमारी में ये स्टॉप करेंगे। घर से निकले थे जनवरी में, ऑलमोस्ट एक महीने के लिए उन्होंने सोचा था कि 1 महीना मैं ट्रेवल करके वापस फिर अपने घर चला जाऊँगा हैदराबाद, लेकिन उनका मन इतना लग गया ट्रैवलिंग में और ऐसे नए नए जगह नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में कि अभी ये नवंबर चालू हो गया लेकिन अभी तक वो घर नहीं गए, लेकिन वो ये 2 महीना ट्रैवल करके फिर वो चले जाएंगे वापस हैदराबाद। तो तांबडी सुरला जो है वो 14th century में बनाया गया, एक पूरा काले पत्थर से बनाया गया एक शिव जी का मंदिर है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। मैं वहाँ पे हर साल जाता हूँ, लेकिन खास करके बारिश में। तो बारिश में जब जाते हैं तो वहाँ का जो पूरा जो नज़ारा होता है वो बड़ा सुंदर और बड़ा ही खूबसूरत रहता है। तो अभी ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली है तांबडी सुरला के बस 1 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा मुँह वगैरह धोएंगे, क्योंकि पानी जो है ना ये यहाँ पर बहुत क्लीन रहता है। आप जब भी आओ यहाँ पे पानी बहुत क्लीन रहता है। अभी तो पानी काफ़ी कम है लेकिन बारिश के टाइम पे बहुत पानी बहता है और ये एक्चुअली सेफ़ है, मतलब ऐसा डीप वगैरह नहीं है। तो लोग काफ़ी यहाँ पे आते हैं, खाना पीना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं और एंजॉय करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये रही शेखर की बाइक और ये रहे शेखर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत और कितना सुंदर सा एक झरना है। तो आप जो पीछे देख रहे हो ब्यूटीफुल सा झरना, ये एक्चुअली है जो टेंपल है, टेंपल के बस 2 किलोमीटर पहले है। तो बस यहाँ पे थोड़ा 2-3 मिनट के लिए हम लोग रुके हैं, उसके बाद फिर आगे निकल जाएंगे, फिर आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग वापस पंजिम की ओर जब जाएंगे तब एक मस्जिद है जिसका नाम है साफा मस्जिद, जो फोंडा में है। उसके बाद मंगेशी टेम्पल जो मारदोल में है और ओल्ड गोवा चर्च जो ओल्ड गोवा में है, तो वो भी ऑन द वे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ।
ये मैं मेरे फ़ोन सेल्फी स्टिक से मैं ड्रोन की तरह शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो किस तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो जैसे मैं कहीं ऊंचाई से मैं शूट कर रहा हूँ। और आप पानी देखिए कितना क्लीन वाटर है। एक्चुअली ये डायरेक्ट माउंटेन से आने की वजह से इसमें कुछ ऐसा मिक्स नहीं होता है, तो पानी काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है और आप पानी चाहो तो पी भी सकते हो। तो तांबड़ी सुरला के यहाँ पे जो घना जंगल है उसमें बस मैं और अभी मेरा दोस्त शेखर, हम दो ही लोग हैं और कोई नहीं है। एक्चुअली अभी सुबह के 9:30 बजे हैं, तो इस वजह से लोग मतलब 10-11 बजे के बाद ही आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, वैसे भी विंटर में काफ़ी प्लेजेंट वेदर होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो बहुत मज़ा आता है घूमने के लिए। तो सुबह में थोड़ा सा ठंड लगा, थोड़ा सा मतलब एक 20-22 डिग्री तक कुछ रहा होगा टेम्परेचर, बट बाइक पे थोड़ा सा ठंडा लग रहा था, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ से मंदिर जो है वो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद वहाँ से वापस पंजिम के लिए निकलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो हमारे शेखर भाई भी अभी निकल पड़े हैं मेरे साथ, एक्चुअली मैं उनके साथ जा रहा हूँ। तो बस ये तो पूरा इंडिया घूम रहे हैं, मैं तो बस 60 किलोमीटर ही आया हूँ अभी। तो ये मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो आप जैसे देख सकते हो जिस तरह से ये नीचे पत्थर है वो एक्चुअली ग्रिप के लिए है, क्योंकि बारिश के टाइम पे काफ़ी स्लिपरी हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि नॉन स्टॉप बारिश होती रहती है, कभी कभी तो 8-8, 10-10 दिन बारिश होती है, तो जब तब लोगों को चलने के लिए परेशानी हो सकती है। इस वजह से इस तरह से उन्होंने पत्थर डाले हैं ताकि लोगों के पाँव फिसले नहीं। तो ये जो मंदिर है ये एक्चुअली राजा कदम्बा जो है वो उनके उनका जो आर्किटेक्चर है, उनका जो स्टाइल है, तो उस तरह से ही इस मंदिर को बनाया गया है। तो आप देखिए इसमें शिवजी है, मतलब भगवान महादेव का उसके अंदर उनका शिवलिंग है, और ये पूरा एक काले पत्थर से बनाया गया है, और उसका सीलिंग या फिर उसका जो फाउंडेशन है या फिर पूरा का पूरा एक काला पत्थर ही है, उसमें कोई बाकी दूसरी कोई चीज़ यूज़ नहीं की है। तो मंदिर बहुत बड़ा नहीं है और लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, बट बस यही, ये जब मंदिर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतने घने जंगल में कैसे बनाए होंगे, वो भी 12th century में, मतलब 12वीं शताब्दी में किस तरह से बनाया होगा उस टाइम पे। तो यहाँ से इस मंदिर से लगभग 1.5-2 घंटा वॉक करने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं एक बार गया था काफ़ी साल पहले। तो काफ़ी लोग ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करते हैं मंदिर के पास, और यहाँ से फिर वो उस वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। तो ये जो मंदिर है वो कर्नाटका और गोवा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है, और इनका ये वेस्टर्न घाट में आता है ये जो मंदिर जो है, और इसकी इतनी मतलब आप ध्यान से अगर देखोगे इसको तो इतने खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है, इतने परफेक्टली वो शेप में रखा है कि यकीन ही नहीं होता है कि उस टाइम की इंजीनियर आजकल की इंजीनियर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे या फिर वो कैसे प्लानिंग करके ये बनाते होंगे। हालांकि उस टाइम पे ना मशीनरीज़ आज जैसे ईजिली अवेलेबल होता है उस तरह से उस टाइम पर डेफिनेटली नहीं होगा, तो किस तरह से बनाया होगा, ये एक चमत्कार की तरह ही है। चाहे ये तांबड़ी सुरला का टेंपल हो या एलोरा अजंता हो या फिर साउथ के खूबसूरत मंदिर हो तमिलनाडु के, आंध्रा के, कर्नाटका के, तो एकदम मतलब ये हो जाता है कि यार कैसे बनाया होगा। आप देख रहे हो ये पिलर्स देख रहे हो कैसे एकदम शेप में डिज़ाइन में बनाया गया है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे 12 महीने भीड़ रहती है, ख़ास करके महाशिवरात्रि में, श्रावण में, उसके बाद
अभी जैसे बारिश नहीं है तो बारिश के टाइम पे भीड़ रहती है, लेकिन बारिश नहीं रहेगी तो भी टूरिस्ट लोगों का थोड़ा ज़्यादा आना जाना होता है जो लॉन्ग टर्म पे गोवा में आके स्टे करते हैं, क्योंकि जो लोग 2 या 3 दिन के लिए गोवा आके रहते हैं उनके लिए उतना ईजी नहीं होता है, क्योंकि तांबडी सुरला के लिए पूरा ऑलमोस्ट आपका दिन चला जाता है। जब आप सुबह में निकलोगे पंजिम से या नॉर्थ गोवा से तो आपका पूरा दिन उसी में निकल जाता है, तो इसीलिए जो लोग 5-6 दिन के लिए आके रहते हैं गोवा में तो वो लोग डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं। मैंने बहुत बार देखा है तांबडी सुरला जाने वाले, अगर मेरे इवन कुछ फ्रेंड वगैरह जब आते हैं 5-6 दिन के लिए गोवा में रहते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करते हैं। तो यहाँ पे आने के लिए सबसे ईजी जो है वो है, आप टैक्सी से भी आ सकते हो, अगर आप गोवा में रह रहे हो एज अ टूरिस्ट आप आए हो तो टैक्सी से आ सकते हो, और यहाँ से दूधसागर भी पास में है तो आप दूधसागर और ये दोनों एक साथ कर सकते हो। तो दूधसागर का जो जगह है वो तांबडी सुरला से ऑलमोस्ट विदिन 25 किलोमीटर कुछ है, मतलब जो ट्रैकिंग स्टार्ट होती है वो 25 किलोमीटर के बाद होती है, तो ये दोनों भी आप देख सकते हो। और ये जो अगर आप स्कूटर से आप आने का सोच रहे हो तो अगर मान लो आप पंजिम में रह रहे हो या फिर कलंगूट, बागा, अंजुना, वागातोर या मापसा या नॉर्थ के किसी भी साइड में आप रह रहे हो तो अर्ली मॉर्निंग आप स्टार्ट कीजिए। उससे क्या है, आपका रास्ता कटेगा और आप सुबह में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये पूरा नज़ारा देख पाओगे, और बाद में फिर इतना ये टाइम जब आप ये यहाँ पे घूमोगे और घूमने के बाद जब आप टेंपल को विज़िट करने के बाद अगर आपको दूधसागर जाना है तो आप दूधसागर जा सकते हो, या फिर अगर आपको वापस जाना है तो ऑन द वे आपको फोंडा का साफा मस्जिद, उसके बाद मंगेशी टेम्पल और ओल्ड गोवा चर्च, ये तीनों भी आप ऑन द वे करके वापस अपने होटल में या फिर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आप जा सकते हो। तो आप ज़रूर इस मंदिर को विज़िट करना, ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे। मैं हर साल आता हूँ, अभी मुझे गोवा में लगभग 18 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ, चाहे वो बारिश का टाइम हो या फिर गर्मी का टाइम हो, लेकिन जब भी सारे मतलब हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई तांबडी सुरला निकलना है तो फिर आराम से हम लोग आते हैं, फिर सुबह दिन भर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो आपको लास्ट पीछे आपको जो दिखाया था जहाँ पे पानी झरना बह रहा था, हम वहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा के वापस फिर घर चले आते हैं। तो इसके आगे का जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाऊँगा मंगेशी टेम्पल, साफा मस्जिद और ओल्ड गोवा का चर्च, तो आप ज़रूर मेरा सेकेंड पार्ट देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको गोवा में दूसरी कोई ऐसी चीज़ देखनी है, कोई ऐसे प्लेसेस देखने हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिएगा कि मुझे मतलब आप वहाँ पे जाके आप शूट कीजिए, तो डेफ़िनेटली मैं जाऊँगा और मैं ज़रूर शूट करूँगा, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, नई नई जगह लोगों को दिखाना, और मुझे खुद को भी विज़िट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच, और इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखें, थैंक यू।